महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की राज ठाकरे की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह मनसे कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा चला दी थी। इस मामले में कांदीवली पुलिस ने उस मनसे कार्यकर्ता पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का आरोप है कि इस कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा के वक्त अजान का वीडियो दूसरे मोबाइल में प्ले करके रिकॉर्ड किया है। जिस समय यह वीडियो बनाया गया है उस वक्त कांदीवली में किसी भी मस्जिद में अजान हुई ही नहीं है। मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में कुछ मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं पुलिस ने हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले या पाठ करने की कोशिश करने वाले 250 मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि मनसे कार्यकर्ता उन सभी स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या होगा जहां लाउडस्पीकर से अजान की जाती है। पुलिस ने मस्जिदों पर जाकर लाउडस्पीकरों की आवाज चेक की। कई मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को नहीं बजाया गया। वहीं राज ठाकरे ने कहा मुंबई में 1400 मस्जिदें हैं, इसमें 135 मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़कर लाउडस्पीकर से अजान चलाई गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन पर क्या कार्रवाई की गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील की है। राज ठाकरे ने कहा मुंबई में 90% मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि मस्जिदों ने हमारी बात मानी, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद नहीं होता हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।